हेलो किसान भाइयों, राम राम। स्वागत है आप लोग का एक बार फिर से किसान बाजार भाव में। मैं सनी कुमार गुप्ता और आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों एनसीडीएक्स कमोडिटी बाजार में क्या भाव रहे हैं 12 अक्टूबर 2020 के। तो दोस्तों आज जानेंगे कितनी जिंसों में कितनी तेजी रही है, कितने मतलब यहाँ पे कितने से बाजार खुले हैं, कितने क्या रहे हैं, मतलब पूरी तरह इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग को बता दूँ क्या सभी जिनसों में दोस्तों बम्पर तेजी देखने को रही है। तो आप लोग से दोस्तों रिक्वेस्ट है दोस्तों कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं आज के जिंसों में कितनी तेजी है, क्या रही है, पूरी तरह से वीडियो में हम जानने रहते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट में बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर सोयाबीन में। तो दोस्तों बाजार खुला है 4065 रुपये पर। अधिकतम भाव की बात करें दोस्तों यहाँ पर 4106 रुपये देखने को रही है और न्यूनतम भाव की बात करें दोस्तों यहाँ पर 4000 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात करें तो यहाँ पर 97 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर सोयाबीन का बाजार भाव देखने को मिला है। नेक्स्ट में हम बात करेंगे दोस्तों चना के बाजार भाव में। तो दोस्तों बाजार खुला है 5570 रुपये पर। अधिकतम भाव देखने को मिला है दोस्तों 5575 रुपये पर। वही पर दोस्तों बात करेंगे न्यूनतम भाव की तो 5490 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात करें तो यहाँ पर 55 रुपये तेजी के साथ यहाँ पर चना का बाजार भाव देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में हम बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों बाजार खुला है यहाँ पे 4115 रुपये पे। अधिकतम भाव दोस्तों 4141 रुपये देखने को रही है। न्यूनतम भाव की बात करें तो 4045 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात करें तो यहाँ पे 65 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे गवार सीड का बाजार भाव देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में बात करते हैं धनिया के बाजार भाव में। तो दोस्तों बाजार खुला है 6645 रुपये पे। अधिकतम भाव दोस्तों यहाँ पे 6735 रुपये देखने को रही है। न्यूनतम भाव की बात करो तो 6640 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात करो तो दोस्तों यहाँ पे 45 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे धनिया का बाजार भाव देखने को मिला है। बात करेंगे दोस्तों सरसों के बाजार भाव में। तो दोस्तों बाजार खुला है 5417 रुपये पे। अधिकतम भाव की बात करो तो 5430 रुपये देखने को रही है। और वहीं पर दोस्तों न्यूनतम भाव की बात करो तो 5386 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात करते हैं यहाँ पे 27 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे सरसों का बाजार भाव देखने को मिला है। नेक्स्ट में बात करेंगे दोस्तों जीरे के बाजार भाव में। तो दोस्तों बाजार खुला है यहाँ पे 13300 रुपये पे। अधिकतम भाव की बात करो 13395 रुपये देखने को रही है। वहीं पर दोस्तों बात करेंगे न्यूनतम भाव की तो 13276 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात करो तो दोस्तों यहाँ पे 12 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे जीरा का बाजार भाव देखने को मिला है। मूंग की बात करो दोस्तों तो मूंग का बाजार खुला है 7500 रुपये पे। अधिकतम भाव देखने को मिला दोस्तों यहाँ पे 7516 रुपये। बात करेंगे दोस्तों न्यूनतम भाव की तो यहाँ पे दोस्तों 7500 रुपये देखने को रही है। और वहीं पर दोस्तों बात करेंगे तेजी मंदी की तो दोस्तों यहाँ पे 80 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे मूंग का बाजार भाव देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में हम बात करते हैं यहाँ पर अरंडी के बाजार भाव में। तो दोस्तों बाजार खुले यहाँ पे 4140 रुपये पे। अधिकतम भाव देखने को मिला दोस्तों 4155 रुपये। बात करेंगे दोस्तों न्यूनतम भाव की तो 4116 रुपये देखने को रही है। वहीं पर दोस्तों बात करेंगे न्यूनतम भाव की तो दोस्तों यहाँ पे 4116 रुपये देखने को रहे हैं। तेजी मंदी दोस्तों यहाँ पे 21 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे अरंडी के बाजार भाव देखने को मिला है। बात करेंगे दोस्तों हल्दी के बाजार भाव में। तो दोस्तों बाजार खुला है 5724 रुपये पे। अधिकतम भाव देखने को मिला है 5755 रुपये। बात करें दोस्तों न्यूनतम भाव की तो 5649 रुपये देखने को रही है। तेजी मंदी की बात करें तो यहाँ पे 40 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे हल्दी का बाजार भाव देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, बात करेंगे तिल के बाजार भाव में। तो दोस्तों बाजार खुला है यहाँ पे 8000 रुपये पे। अधिकतम भाव दोस्तों 8040 रुपये देखने को रही है। और न्यूनतम भाव की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे 8000 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात कर ले दोस्तों तो यहाँ पे 200 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे तिल का बाजार भाव देखने को मिला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट में बात करेंगे गवार गम के बाजार भाव में। तो दोस्तों बाजार खुले यहाँ पे 6200 रुपये पे। अधिकतम भाव देखने को मिला दोस्तों 6235 रुपये। वहीं दोस्तों बात करेंगे न्यूनतम भाव को तो यहाँ पे दोस्तों 6070 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात करो तो यहाँ पे दोस्तों 75 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे गवार गम का बाजार भाव देखने को मिला है। मक्का की बात करो दोस्तों तो मक्का के बाजार भाव में तो दोस्तों बाजार खुला है 1285 रुपये पर। अधिकतम भाव देखने को मिला है दोस्तों 1289 रुपये। बात करेंगे दोस्तों न्यूनतम भाव को तो 1265 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात करो तो यहाँ पे 11 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे मक्का का बाजार भाव देखने को मिला है। बात करेंगे नेक्स्ट में कपास के बाजार भाव में। तो दोस्तों बाजार खुला यहाँ पे 1050 रुपये पे। अधिकतम भाव दोस्तों यहाँ पे 1066 रुपये देखने को रही है। न्यूनतम भाव की बात करो तो 1055 रुपये देखने को रही है। और तेजी मंदी की बात करो दोस्तों यहाँ पे 7 रुपये तेजी के साथ यहाँ पे कपास का बाजार भाव देखने को मिला है। तो दोस्तों ये थी आज के 12 अक्टूबर 2020 के एनसीडीएक्स कमोडिटी बाजार के भाव। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर दबा दें
ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले में दोचे। दोस्तों आज का जो वीडियो था आज इसी के टॉपिक पे था और जितने भी मतलब जिनसे मैं अपडेट दिया वो उम्मीद करूंगा आप लोगों को पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर ऑन कीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।